हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको यूनिवर्सल पास बनाना सिखाएंगे और निकालना भी सिखाएंगे। तो इसके लिए आपको गूगल पे चल जाना है, और गूगल पे जाने के बाद में यूनिवर्सल उसका अलग से वेबसाइट है, मगर आपको सर्च में आसानी हो इस हिसाब से यूनिवर्सल लिख देते हैं हम, यूनिवर्सल पास। तो क्या रीज़न आपके सामने आता है वो देख लेते हैं। तो ये डायरेक्टली आपको सिग्न टू यूनिवर्सल पास, तो ईपी, ये आपका वेबसाइट आपके सामने खुल जाता है और इस पर आप क्लिक करेंगे। तो हम अभी यूनिवर्सल पास पे क्लिक कर देते हैं और डेस्कटॉप मोड ऑन कर देते हैं। तो आपको नीचे जो दिख रहा है, रजिस्टर योर एब्लिशमेंट नंबर 2 और नंबर 3 में सिटीज़न में आपको यूनिवर्सल पास डबल वैक्सीन सिटीजन्स में क्लिक करना है। और आपके सामने आपको ज़रूरत है 3 मिनट के अंदर आपका मोबाइल नंबर उसमें डालना है, जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वैक्सीन के टाइम। तो हम नंबर डाल लेते हैं, हमने अभी इसमें नंबर डाल दिया है, और सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो हम अभी दूसरे फ़ोन में, वो हमारा मोबाइल नंबर है तो उस पर ओटीपी चेक करेंगे मैसेज में। तो ओटीपी आ चुका है, वो डाल लेंगे अभी और सबमिट करेंगे। तो ये लिख के आ रहा है। तो इनका वैक्सीनेशन के लिए इनका मोबाइल नंबर, रेफरेंस और एक्शन व्यू पास, तो इनका पास बन चुका था। तो इस पे चेंज फ़ोटो भी कर सकते हैं, और व्यू पास इनका पास बन चुका है इसीलिए मैं तो फिर इसमें डाउनलोड पास आ जाता। इनका पास बना है तो पास देख लेंगे कैसा है। इन्होंने ऑलरेडी पास बना के रखा है, तो ये पास इनका इसमें आ चुका है, और इस पास को हम डाउनलोड और शेयर भी कर सकते हैं। तो नीचे के बटन देख रहा है आपको, इस पर डाउनलोड कर लेंगे। तो अभी देखेंगे अपना डाउनलोड होता है या नहीं, कितना समय लगता है। डाउनलोडिंग आ चुका है, 15 MB फाइल्स डाउनलोड कर लेंगे इसे। अभी देख रहे कैटेगरी में अभी डाउनलोडिंग चल रहा है, तो डाउनलोडिंग्स में आ जाते हैं। और यूनिवर्सल पास 1536 ये देख रहे, तो इसे ओपन करेंगे। अभी ये PDF व्यूअर में ओपन करेंगे, तो ये पास इसमें आ चुका है। तो इस तरह आप इसमें यूनिवर्सल पास डाउनलोडिंग कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो इसके बाजू में शेयर का ऑप्शन है, इससे आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मेल पे भी शेयर कर सकते हैं। तो शेयर में ऑप्शन आ जाएगा, तो व्हाट्सएप पे देख सकते हैं। अभी व्हाट्सएप का फंक्शन ओपन हो जाएगा और आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इसे यूज कर सकते हैं, और ये ऑलरेडी पहले बन चुका था इसीलिए इसमें इन्होंने फ़ोटो अपलोड का सिस्टम इसमें लिया नहीं। तो इसी तरह आप यूनिवर्सल पास बनवा सकते हैं दोस्तों। थे आपको पहले वीडियो में नहीं समझ में आया तो मैं ये दूसरा दिखाता हूँ। इसमें भी एक दूसरा कस्टमर है, तो इनका भी यूनिवर्सल पास बनवाना है, तो इनका मोबाइल नंबर डाल देंगे और उसमें वो जनरेट हो चुका था पास, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये नंबर दिया, OTP दिया, तो ये इनका ये पास जनरेट हो चुका है। इनको डोज लेके, दूसरा डोज लेके 14 दिन हो चुके हैं। तो अब इसमें से सिलेक्ट करेंगे किसका आपको पास बनवाना है। तो जनरेट पास पे जो ऑप्शन है, तो उस जनरेट पास पे नीचे का 3rd नंबर पे हम जनरेट पास पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाता है।
तो थोड़ा सर्वर डाउन होने की वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। तो जनरेट पास पे देख सकते हैं डबल वैक्सीन सिटीजन्स, तो इसमें इस तरह आता है। और इसमें अपलोड जो फ़ोटो होता है वो फ़ोटो गैलरी से या डायरेक्टली फ़ोटो निकाल के, कम से कम 3 MB का साइज़ इसमें फ़ोटो का लगता है। ज़्यादा MB का साइज़ हो तो रिड्यूस करके आप बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं, तो आपको जनरेट पास हो जाता है सर। इस तरह फ़ोटो निकाल के जनरेट कर सकते हैं।